राजस्थान के भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी में जल्द ही फेरबदल होने की सुबुगाहट है। इधर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने बीते दिनों विचार विमर्श करना शुरू भी कर दिया है। वहीं भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी 4 दिवसीय प्रदेश दौरे पर हैं, जिसको देखते हुए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत ही जल्द कार्यकारिणी में बदलाव होगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से चर्चा बातचीत कर भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों के नाम पर चर्चा की जाएगी। इस बदलाव में कई बड़े और चर्चित चेहरों को सौंपी गई जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभाने के चलते हटाया जा सकता है। वहीं नए चेहरों को आगामी विधानसभा चुनाव में पद सौंपे जा सकते हैं। इधर केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सभी को साथ लेकर चलने का दिशा निर्देश दिया गया है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी में सदस्यों का बदलाव किया जा सकता है। कई चर्चित नेताओं के नाम काटे जा सकते हैं और युवा नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी के बदलाव की सुबुगाहट। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता लीलाधर कुमावत। लीलाधर, प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी में बदलाव की ये जो खबरें आ रही हैं, कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभाई हैं उनके नाम काटे जा सकते हैं और युवा नेताओं को इस बार जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, सुनिधि आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी है उसमें अब एक फेरबदल देखा जा रहा है। युवाओं को मौका मिलना जाएगा और जहां तक वरिष्ठों की है उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा है कि वरिष्ठों का सहयोग चाहिए, साथ चाहिए, सबका साथ चाहिए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप से प्रयोग करने वाली है। एक प्रकार से उनका कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार की शिकस्त का सामना करना पड़ा था, कहीं ना कहीं अब उसके उपचार के अलावा उपचार के साथ कहना पड़ेगा कि उसका बदलाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी में बदलाव किया जा रहा है। और जो नेतृत्व की बात की जाए, अब नेतृत्व जैसे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को दिया गया है और वहीं बात करी जाए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के रूप में राजेंद्र राठौड़ को बनाया है और उप नेता के रूप में सतीश पूनिया को, तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि अब जो कार्यकारिणी का बदलाव है वो भी देखा जा रहा है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों में फेरबदल, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की गठन की तैयारियां है जो जोर शोर से चालू हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी संगठन मंत्री चंद्रशेखर ने जयपुर में बीते दिनों भी अभी संकेत दिए हैं कि प्रदेश की कार्यकारिणी में परिवर्तन होने जा रहा है। आपको बताना चाहूंगा भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी का 4 दिन का जयपुर का राजस्थान का दौरा भी है, जिसके तहत वहां पर इनसे चर्चा की जाएगी कि संगठन में बदलाव की रणनीति किस प्रकार से की जाए। मैं आपको यहाँ भी सुनिधि बताना चाहूंगा कि संगठन जो महामंत्री है चंद्रशेखर से भी चर्चा की गई है, संगठन में उतार चढ़ाव का जो समीकरण है देखा जा रहा है। जहां तक सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाए उसको भी देखा जा रहा है, सोशल जातीय समीकरण के आधार पर भी संगठन में स्थान दिया जाएगा, युवाओं को मौका दिया जाएगा। जहां तक बात की जाए युवा मोर्चा की और महिला मोर्चा की, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कमजोर साबित हुआ है। जो प्रदेश की सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा लेने में ये जो संगठन है, जो भारी फेरबदल है युवा मोर्चा अध्यक्ष और महिला मोर्चा अध्यक्ष में देखने को मिलेगा। यहाँ पे सुनिधि आपको भी बताना चाहूंगा राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो नजदीकी है, मध्यनगर भाजपा प्रदेश है जो साथ लेकर चलने का विचार कर रहा प्रदेश नेतृत्व के हिसाब से है। प्रदेश की जो बात करें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जोशी बाकायदा इसका पालन करेंगे, आला नेताओं से नामों के जो राय शुमार ली जाए, नामों के सुझाव ले जा रहे हैं कि किसको अतिरिक्त भार दिया जा सकता है, युवाओं के किस प्रकार से इसमें जोड़ा जा सकता है। भाजपा प्रदेश के आलोचना जो आला नेताओं है पदाधिकारियों से बातचीत करके सीपी जोशी ने रणनीति बनाई गई है और सबके मन की बात टटोलने का भी काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों में आंशिक बदलाव होने के संकेत दिए गए, इसमें एक महामंत्री जो भजन लाल है, 2 सचिव की पदोन्नति और 2 उपाध्यक्ष है, 2 महामंत्री, 3 सचिव तथा युवा ओबीसी किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पर बदलाव के संकेत दिए गए। भाजपा वरिष्ठ विश्वसनीय जो बात करें सूत्रों के अनुसार जो हवाला दिया गया है, भाजपा प्रदेश संगठन की टीम में 2 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो माधोराम चौधरी है, हेमाराम मीणा है, महासचिव मदन दिलावर है,
सचिव के विष्णु, ये वंदना नोगिया है, इनको संकट, इनके पदों पर संकट हो सकता है। कहीं ना कहीं पार्टी को लग रहा है कि इनके जो पदभार दिया गया था कहीं ना कहीं उनमें जो पूरा नहीं उतर पाए थे, इस कारण से इनको पदवी काटे जा सकते हैं। वहीं पर बात की जाए, महामंत्री भजन लाल को उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी बढ़ाना को प्रदेश सचिव बनाया जा सकता है, तीनों मोर्चे युवा, ओबीसी, किसान और किसान के प्रदेश अध्यक्ष को इनमें बदलाव किया जा सकता है। बात की जाए युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर शंकर झाकड़ का नाम सर्वोच्च रूप से चल रहा है, वही किसान मोर्चा के मौजूदा महासचिव ओपी यादव का नाम भी चर्चा पर चल रहा है। तीन से चार नए चेहरों को समावेश किया जा सकता है। गंगानगर के भाजपा जो सांसद है निहालचंद मेघवाल है, विधायक निर्मल कुमावत है, पूर्व मंत्री जो बात करें कृषि मंत्री रह चुके उनको भी दिया जा सकता है। और बात की जाए भीलवाड़ा से जो आते अग्रवाल समाज से दामोदर अग्रवाल को भी दिया जा सकता है, जोधपुर से पूर्व महापौर राजेंद्र कुमार गहलोत को भी इस दौर में देखा जा रहा है। करीब आधा दर्जन जिलों में भाजपा जिलाध्यक्ष पद पर बदलाव होने की आशा लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर जून माह तक चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 साल शासन के जनसंपर्क महाअभियान के बाद भाजपा के जिलाध्यक्षों में भी फेरबदल होने के संकेत है। भाजपा आला नेताओं की यह सब कवायद होने के बावजूद भाजपा प्रदेश पदाधिकारी कार्यकारिणी में भी जो फेरबदल के संकेत है वो देखे जा रहे हैं। जी सुनिधि जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।